सीबीएसई की तरफ से एक राइट स्टूडेंट्स के लिए इस साल से जारी किया गया है। जी हाँ, आपने सुना भी होगा, वो राइट है फीडबैक राइट। मैं इसी के विषय में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये फीडबैक राइट का क्या मतलब है। जैसा कि इस फीडबैक राइट में स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली बोर्ड में जो 10th और 12th के एग्जाम में जो अपीयर होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक राइट इस साल से दिया गया है फीडबैक राइट, जिसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या एग्जाम में अपीयर होते हैं और किसी कारण बस आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था या आउट ऑफ सिलेबस था या सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है चैप्टर वाइज उस तरह से आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप इसकी कंप्लेन आप सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस ये होगा इस कंप्लेन को बोर्ड तक पहुंचाने के लिए कि एग्ज़ाम के बाद आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जाके बताना होगा, अपने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल सर जो भी आपके स्कूल के होंगे उन्हें जाके बताना होगा कि सर मुझे फीडबैक देना है, है ना, और प्रिंसिपल सर आपसे वो जो भी प्रक्रिया होगी उसकी एप्लीकेशन वगैरह आपसे लेंगे और फिर विद इन 24 आवर आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल होंगे उनको सीबीएसई तक आपके मैसेज को पहुंचाना होगा। फिर सीबीएसई की एक टीम बैठेगी, वो टीम आपके क्वेश्चंस को आपके जो भी प्रॉब्लम या फीडबैक है उसको एनालाइज करेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर वो एक्शन लेगी। तो ये है पूरा का पूरा मतलब फीडबैक का, है ना। तो ये राइट आपके लिए है, है ना, जो भी आपके स्टूडेंट्स जो भी अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप इस तरह की कंप्लेंट्स जाके दे सकते हैं अपने प्रिंसिपल सर को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कई तरह की कंप्लेन आई। जैसे अभी 2 साल पहले मैथ 12th का जो मैथ्स का पेपर हुआ था वो बहुत ज़्यादा टफ था, उसका लेवल जैसे स्टूडेंट्स का कहना था कि जेई लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस साल से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो आप इस बात का ध्यान रखें और फिर जो भी सीबीएसई की न्यूज़ होगी आपके बोर्ड एग्जाम से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। साथ में फिजिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल 9th, 10th, 11th, 12th का आपको मिलते रहेंगे। रिजल्ट वगैरह जो भी आपका आना होगा उन सब के अपडेट मैं अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, है ना, ताकि